हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं रीयूज़ करने वाली हूं पुराने स्वेटर का, जो कि देखिए इस तरीके का है। ये स्वेटर पुराना है, इसीलिए आज मैं इसका रीयूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हमें इसे पीछे की साइड पलटना है और लेना है एक स्लीपर, और स्लीपर को रख कर इस तरीके से हम किसी चीज़ से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इसी के साइज़ का हम दूसरा पीस भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो दो पीस मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा निशान लगा देती हूँ ताकि दोनों एक ही साइड ना मिल जाए। अब मैंने लिया है एक पुराना जीन्स और इसके ऊपर रख कर मैंने इसे, देखिए इसे भी यहाँ पर कट कर लेना है इसी के साइज़ का। तो ये देखिए, ये भी हो गया। फ्रेंड्स, जीन्स का टू लेयर मैंने यहाँ पर कट किया है इस तरीके से। अब हमें इसी के साइज़ का लेना है राइस बैग का टुकड़ा, और इसी के साइज़ का कट कर लेना है। इसे भी देखिए बीच में रखते हुए इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, और दूसरे पीस पर भी हम राइस बैग रखेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए, क्विल्टिंग हमारी हो चुकी है। अब जो स्लीव्स दोनों बचे हुए हैं स्वेटर के, उसे भी हमें कट कर लेना है, और साइड से भी कट करके हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी कट कर लेना है। और देखिए, इसे हमें ऊपर की साइड से 5 इंच पर मार्क करना है, जो बॉटम मैंने तैयार किया था। और यहाँ पे देखिए, रखते हुए इस तरीके से साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, और उसके बाद देखिए ऊपर की साइड हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ऊपर हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, इसी के साइज़ का रखना है। और यहाँ मैं स्वेटर का चेक वाला पार्ट ही यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छा आएगा। और नीचे भी इस तरीके से मार्क कर लेना है, और जो मार्क वाला एरिया है हमें उसे कट करके निकाल लेना है। अब इसी के साइज़ का हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे। तो दोनों पीस हमारा कट हो चुका है। अब इसे भी जींस के ऊपर रख कर हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, मैंने यहाँ पे भी राइस बैग का यूज़ किया है ताकि इसकी थिकनेस अच्छी आती है। और इसे देखिए, मैंने यहाँ पे क्विल्ट कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है हम उसे कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, सेंटर में यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क किया है, और साइड से इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए, एक शेप में आ जाएगा ये। अब दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से गोलाई देकर कट कर लेंगे। अब देखिए, दो स्ट्रिप मैंने ली है, और इसे उल्टी साइड पर रखकर स्टिच करना है। फिर उसके बाद सीधी साइड पर इस तरीके से पलटकर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। हमारा पाइपिंग जैसा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, दोनों स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें लगाना है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसे भी हम फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा हम सेंटर पे यहाँ पे कट कर लेंगे। अब दोनों सेंटर को हमें देखिए इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर पिन से अटैच कर लेना है। सेम उसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब देखिए, अटैच करने के बाद हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे राउंड में स्टिच करना है। दूसरे पे भी इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए, दोनों स्टिचिंग हो चुकी है इस तरीके की, ये देख सकते हैं आप। अब हमने यहाँ पे क्रॉस में कट की हुई पट्टी ली है, उसे ज्वाइंट कर लिया है, और देखिए पीछे की साइड इस तरीके से हम रखते हुए पट्टी को हम उल्टी रखेंगे और इसे हम स्टिच कर लेंगे राउंड में। तो देखिए, स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे कि सीधी साइड पर यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम पलटेंगे सीधी साइड पर, और इसे डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे राउंड में। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे ईजिली बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, सीधी साइड पर पलटना है और डबल फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्यारा सा स्लीपर तैयार हो गया। सर्दियों में आप इसका यूज किचन में खाना बनाते समय कर सकते हैं, क्योंकि किचन में चप्पल ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो आप इस तरीके का स्लीपर बना के घर में सर्दी से बच सकते हैं। और बिल्कुल पुराने चीज़ से मैंने इसे बनाया है, पुराने स्वेटर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है।
और घर में ही बिल्कुल रेडीमेड जैसा आपका स्लीपर तैयार हो जाएगा, ऊनी स्लीपर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बहुत ही इजी है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।